भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह बीते जमाने की जोड़ी हो गई है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में ताजा तरीन जोड़ी के रूप में आए हैं रितेश पांडे और अक्षरा सिंह। जी हाँ, रितेश पांडे और अक्षरा सिंह ने बैक टू बैक 4 फिल्में साइन की है। इनकी पहली फिल्म राजा राजकुमार है, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म यानी कि उसके बाद राजा राजकुमार के बाद इन्होंने 3 और फिल्में साइन की है जिसका मुहूर्त हो चुका है। पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह लगातार अगर किसी के साथ फिल्में साइन की हैं तो वो रितेश पांडे हैं। जी हाँ, रितेश पांडे में और पवन सिंह में कुछ समानताएं हैं। पहली समानता तो उन दोनों की ये है कि दोनों सिंगर कम एक्टर हैं। दूसरी समानता ये है कि दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरी समानता ये है कि दोनों के गाए हुए गाने जबरदस्त हिट होते हैं। रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के जो फिल्मी मुहूर्त पर एक रिपोर्टर ने सवाल रितेश पांडे से किया कि क्या उनकी सीधी टक्कर पवन और अक्षरा के जोड़ी से है, क्योंकि अक्षरा सिंह इस वक्त आपके साथ काम कर रही हैं, तो रितेश पांडे ने साफ बचते हुए और पवन सिंह से पंगा न लेते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, काम करके हटा देंगे और उनका किसी से कुछ भी लेना देना और किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और जब यही सवाल अक्षरा सिंह से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि इस वक्त वो अपनी लाइफ काफी एंजॉय कर रही हैं, खुद से प्यार कर रही हैं, लाइफ को बेहद बेहतरीन ढंग से जी रही हैं। वैसे आपको बता दे कि अक्षरा सिंह और रितेश पांडे को दर्शकों ने अपनी मंजूरी दे दी है। इन दोनों के आए हुए सावन के एल्बम ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की है और जबरदस्त हिट भी रहा है, जिसे ये पता चलता है कि अक्षरा और रितेश पांडे की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों फिल्मों में भी दर्शकों को इतना ही इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी जोड़ी से जितना उन्होंने एल्बम में किया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।